हमदुल्ले साहब एक मसीहा बन के आए, और वाकई वो मसीहा हैं, वो हकदार हैं मसीहा कहना कहलाने के। वो आए, उन्होंने मुझे मेरा चेकअप किया और मुझे बहुत सी तसल्लियाँ दी। हालांकि तसल्ली तो मुझे उनको देखते, उनका चेहरा देखकर ही मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया था कि अगर ये डॉक्टर हमदुल्ले साहब अगर मेरे मेरे मेरा ऑपरेशन करते हैं, तो मुझे ऐसी अंदर से दिल से आवाज़ आ रही थी कि मैं मेरा ऑपरेशन कामयाब होगा। क्योंकि वैसे भी मैं उनके बारे में काफ़ी कुछ सुन चुका था कि डॉक्टर हमदुल्ले साहब ने हज़ारों की तादाद में ऑपरेशन किए हैं और हार्ट पेशेंट को अच्छा करके ने उनको मुस्कुराते हुए, उनकी मुस्कुराहट चेहरे पर देकर उनको रवाना किया है, और आज वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और मेरा भी ऑपरेशन उन्होंने किया है, अब्दुल्ला साहब ने। और बहुत ऑपरेशन के बाद भी, ऑपरेशन से पहले भी, उनका बिहेवियर इतना अच्छा था, उनका पेश आना इतना अच्छा लगता था कि ऐसा लगता था मैं अपने अपने बहुत करीबी से, अब करीबी के सरपरस्ती में हूँ। और ऑपरेशन के बाद 3-4 रोज़ में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नॉर्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह साहब काबिले एतबार डॉक्टर हैं, मसीहा हैं, अल्लाह ने उनके हाथ में वो शिफा दिया है, और वो गारंटी दी है उनकी तरफ, अल्लाह की तरफ से उनको मिली है शायद, कि आपके हाथों जो भी मरीज़ आएगा, हार्ट पेशेंट, वो महफूज होगा और बखैर अपने घर लौटे। बस अल्लाह उनको, उनकी उम्र दराज करे, उनको तंदुरुस्ती दे, उम्र दराज करे, ताकि कहीं जाने बचाने का वो ज़रिया बन सके।